हेलो फ्रेंड्स, आज जाने वाले हम गुर्जरा के मेले में और आज अभी बज चुके हैं 9। तो हम रात में ही जाते हैं यहाँ पे क्योंकि वहाँ का मौसम रात का माहौल रहता है। तो हम दोस्तों आगे का वीडियो हम बता दें, तो आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते रहिए, हम निकलने वाले हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम अभी धमंगा क्रॉस कर चुके हैं, अभी धमंगा के आसपास है, यहाँ गुर्जरा की ओर रवाना हो रहे हैं और आगे का रास्ता पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें पूरा आगे का वीडियो बता दें। आप देख ही रही है कुछ गाड़ियाँ आ रही है जा रही है और मुझे भी वहाँ काम आगे बढ़ रहा है, गुर्जरा की ओर ही है, गुर्जरा कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। फिलहाल हम गुर्जरा में पहुँच चुके हैं और हमारी गाड़ी हमने यहाँ पे पार्किंग कर दी है, यहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जहाँ जगह मिल रही है वहाँ लोग गाड़ियाँ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल हम बहुत पहुँच चुके हैं मुरझिरा मोती माता मंदिर के पास। आप देख रहे हैं कि मोती माता का मंदिर है यहाँ का और यहाँ पे ढेर सारा प्रसाद डाला हुआ है लोगों ने माता के लिए। तो आप देख रहे हैं उसमें मिठाइयाँ हैं और जलेबी लड्डू इस तरह के यहाँ पे प्रसाद डाला जाता है माँ के लिए, और हमने भी लाया था और हमने भी डाल दिया है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि क्या ढेर सारा प्रसाद है यहाँ पे, मुरझिरा का मोती माता का मंदिर है। आप देख रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज में ये भजन कर रहे हैं, तो ये बंजारा लैंग्वेज है दोस्तों, बंजारा लैंग्वेज में ये भजन कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग आते जाते रहते हैं और उनको कुछ पैसे देते हैं कि जैसे कि उनको अच्छा लगता है, इसलिए तो मेरे पिताजी ने उनको भी 100 रुपये दिए और उनका नाम बताया कि जैसे आप बहुत अच्छे का भजन कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी ने 100 रुपये दिए उनको और उन्होंने नाम भी लिया। आप देख ही रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ढोल ताशे ताशे से बजा रहे हैं और कुछ डफली बजा रहे हैं। तो यहाँ के ये एक आदमी है यहाँ का बूढ़ा आदमी, ये यहाँ के महाराज है, यहाँ के मंदिर के पुजारी आप देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पे ढोलक बजाने या डफली बजाने के लिए लोग भी आए हुए हैं। चुके थे इसलिए मैंने आगे का कोई शूट किया ही नहीं है क्योंकि मेला ख़त्म हो गया था और हम बहुत लेट हो चुके थे और एक हादसा हुआ था, वो हादसे के कारण मेले में ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी और मेला जल्दी ख़त्म हो गया।